थैंक्स, मैं आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहो। हम आज क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं हाई कोर्ट का पटना, ठीक है। ये है लाइब्रेरी असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर जो कि 2022 का है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन क्या है? ओपैक स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीडी रोम स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका आईएसओ 9960 इज रिलेटेड विद स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग डेटा ऑन सीडी रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रंगनाथन इज द स्टेट शोइंग द फिलिएटरी सीक्वेंस ऑफ क्लासेस अकरिंग ड्यूरिंग द सक्सेसिव डिवीजन ऑफ द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्कीम ऑफ क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एस आर रंगनाथन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हैज टू बी परसुएड इन। तो ये परसुएड करता है थ्री प्लान्स में, ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं वो थ्री प्लान्स क्या क्या है। कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन एज ग्रुप इनटू अ थ्री प्लान्स ऑफ वर्क्स आर आइडिया वर्बल एंड नोटेशनल प्लान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्स आर नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। ऑडियो विजुअल जो डॉक्यूमेंट्स है वो किसके अंदर आते हैं? वो नॉन कन्वेंशनल के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? करेंट कंटेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? करेंट अवेयरनेस टूल एट द नेशनल लेवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द स्टेप फॉर फिजिकल प्रोसेसिंग ऑफ बुक डू नॉट इंक्लूड। तो हमारा राइट आंसर जो है प्रिपेयरिंग कैटलॉग कार्ड। इसी चलिए हम कैटलॉग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज भी देख लेते हैं जो कि है 12.5 सेंटीमीटर × 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज इन। तो जो फर्स्ट एडिशन था वो कितने, मतलब जो एडिशन में कितने वॉल्यूम्स थे बेसिकली? तो वो वॉल्यूम्स थे थ्री वॉल्यूम्स थे। यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स दी है उसको पढ़ लेते हैं। द ब्रिटानिका इज द ओल्डेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, ये सब याद रखेंगे। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश बिटवीन 1768 1779, ठीक है, टू 1779 1771 सॉरी, ठीक है। तो 1768 अगर आपसे पूछा जाएगा पब्लिशर में, तो आप 1768 ही टिक कीजिएगा, ठीक है। ये ड्यूरेशन है बोल दिया है, बट 1768 ही राइट आंसर है, ठीक है। एट एडिनबर्ग, ठीक है, एडिनबर्ग में हुआ था, ठीक है। इसका लास्ट एडिशन जो है वो 15 एडिशन था प्रिंट वर्जन में, ठीक है। अब ऑनलाइन वर्जन में अवेलेबल है ये। प्रिंट वर्जन में ये 15 एडिशन तक पब्लिश पब्लिश किया गया था, ठीक है, जो कि किया गया था 2010 में, ठीक है, 2010 में इसको पब्लिश किया गया था 15 वर्जन को, ठीक है। ये जो इंसाइक्लोपीडिया है वो किस चीज से रिलेटेड है? ये एक जर्नल इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है। इसको सीज कर दिया गया कब? 2012 में, ठीक है, वो भी कब? इसका प्रिंट वर्जन जो था वो बंद किया गया। इसको पब्लिश कौन करता था, इसका पब्लिशर कौन था? तो वो था न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ठीक है, पब्लिशर का नाम था, ठीक है, ब्रिटानिका। थ्री जनरल एडिटर, उसके जो थ्री जनरल एडिटर थे वो कौन थे? वैरन ई प्रीस, ठीक है। चलिए, द ब्रिटानिका ऑन न्यू किड्स इंसाइक्लोपीडिया, इसका जो एडिशन है एडिटेड बाय वर्ल्ड हिस्ट्री ऑथर बाय क्रिस्टोफर लॉयड, ठीक है। तो जो ब्रिटानिका ऑल न्यू किड्स इंसाइक्लोपीडिया जो आया था, किसने कौन लेके आया था? तो वो लेके आए थे वर्ल्ड हिस्ट्री क्रिस्टोफर लॉयड, ठीक है, एडिटेड बाय, मतलब वो ऑथर है और एडिटेड बाय वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ऑनलाइन कब स्टार्ट हुआ? 2012 में स्टार्ट हुआ। और इसका जो 14 वर्जन था, जो प्रिंट वर्जन में जो 14 वर्जन था वो था 1929 में आया, ठीक है। चलिए इस तरीके से हमने ब्रिटानिका के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर पढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है एन डी एल आई,
एनडीएल का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया. ठीक है, एनडीएलआई प्रोवाइड्स इंटरफेस सपोर्ट फॉर 10 मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडियन लैंग्वेजेस. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं. एनडीएलआई वॉज लॉन्च्ड इन अ पोलाइट फॉर्म इन मई 2016. मई 2016 में ये लॉन्च हुआ था बाय अ पोलाइट. ठीक है, द लाइब्रेरी वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन ऑन द जून 19, 2018. इसको बाद में 2018 में नेशन को डेडिकेट किया गया बाय यूनियन. और देख लेते हैं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन सर्विस ऑफ द IIT खड़गपुर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डिजिटल लिटरेसीज आर those capabilities that fit an individual for living, learning and working in a digital society as stated by. तो इसका जो राइट आंसर है वो है JISC. इसका जो फुल फॉर्म है वो है ज्वाइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कमेटी. ठीक है, इन्होंने ये कहा था. ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. ज्वाइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कमेटी के बारे में, वॉज स्टैब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1993. इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रिस्टोल है. ठीक है, लंदन में, यूके. ठीक है, JISC इज अ यूनाइटेड किंगडम का नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है दैट्स प्रोवाइड नेटवर्क एंड IT सर्विसेज एंड डिजिटल रिसोर्सेज इन सपोर्ट ऑफ फर्दर एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च. ठीक है, तो इस काम ये इसका पर्पस है. ठीक है, इस तरीके से हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कर ली. अब नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? अ कंकॉर्डेंस इज एन, ये क्या है? अल्फाबेटिकल इंडेक्स ऑफ इम्पोर्टेंट वर्ड्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर वर्ड. ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन वन. ठीक है, फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वेयर इनिशिएटेड इन, तो ये कब इनिशिएट किया गया था? तो ये किया गया था 1928. इसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है. अगर आपने नहीं देखी है वो सारी वीडियोस तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं. ठीक है, फिर से मैंने यहाँ पर एक सारी डिटेल्स लिख दी है. रंगनाथन प्रोपाउंडेड द फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन 1924 विच आर द ग्रामर ऑफ द लाइब्रेरियनशिप. 1928 इनिशिएशन ऑफ फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस. फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पब्लिश्ड बाय मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन इन 1931. ठीक है, हमारे फाइव लॉज क्या क्या हैं? बुक आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज और हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर एंड द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CDSISIS इज डेवलप्ड बाय, तो ये किसने डेवलप किया था? ये यूनेस्को ने डेवलप किया था. यूनेस्को 16 नवंबर 1945 में स्टैब्लिश हुआ था यूके लंदन में. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. अभी जो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में, फ्रांस. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेवन पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय, तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्कोनल. ठीक है, इन्होंने ये सेवन पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल लेके आए थे. इन्होंने इसे डेवलप किया था, कब किया था? इन 1999 सेवन पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी डेवलप्ड. ठीक है, जो सेवन पिलर कौन कौन थे डेवलप्ड किया गया था. ठीक है, बाय स्कोनल. ठीक है, वो सेवन पिलर्स क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई, स्कोप, प्लान, गैदर, इवेलुएट, मैनेज एंड प्रेजेंट. ठीक है, तो इस तरीके से ये सेवन पिलर्स है. द मॉडल वॉज रिवाइज्ड, इस मॉडल को रिवाइज किया गया कब? 2011 में. और इसको रिव्यू कब किया गया? इसको दोबारा से देन इसको रिव्यू किया गया 2015 में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एन एनुअल पब्लिकेशन containing various useful facts of various kinds and statistical information is an almanac. ठीक है, ऑप्शन वन almanac. नेक्स्ट देख लेते हैं. फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड INV केम आउट इन, तो इसका कंप्यूटराइज्ड वर्जन कब आया था? वो आया था जून 2000 में. ठीक है, थोड़ा सा INV के बारे में पढ़ लेते हैं. इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है ये INV. 1957 में ये आया था. ठीक है, मंथली, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मंथली है. पब्लिश्ड कौन करता है इसको? सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, जो कि कोलकाता में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है. ठीक है, BS केशावन जो है इसने इन्होंने इसे फर्स्ट जो रिलीज किया था
क्या रिलीज किया था, मैंने फर्स्ट इशू रिलीज किया था, यस केसावन रिलीज द फर्स्ट इशू ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेस वॉक इज मैपिंग ऑफ द एलिमेंट्स सेमेंटिक्स सिंटेक्स फ्रॉम वन मेटाडेटा स्कीम टू दोज ऑफ अनदर। ठीक है, यस द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HTML stands for Hypertext Markup Language. Next question देख लेते हैं। DDC is divided into 10 main classes. ठीक है, next question देख लेते हैं। ई ग्रंथालय is developed by, ये किसने डेवलप किया, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर ने डेवलप किया। कब किया है, इन 2002 में किया है। ठीक है, ये 2002 मैंने इसलिए यहाँ लिखा है, डेवलप 2002। ठीक है, तो ये नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर ने किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अच्छे से। लाइब्रेरी नीड्स टू पे वन टाइम पेमेंट। ठीक है, अगर कोई भी लाइब्रेरी ई ग्रंथालय को इम्प्लीमेंट करना चाहती है अपनी लाइब्रेरी में, तो उसको क्या करना है, उसको वन टाइम पेमेंट करना है 21,275 रुपीज ओनली टू अवेल ई ग्रंथालय सर्विस फॉर द पीरियड ऑफ 5 years ऑन NIC क्लाउड। तो आप सोच सकते हैं कितना चीप प्राइस में आपको अवेलेबल हो रहा है फॉर 5 years। ठीक है, इसके 4 वर्जन हैं। ठीक है, सबसे पहला वर्जन आया था 2003 में 1.0। ठीक है, सेकेंड वर्जन आया था 2.0 2005 में, 3.0 आया था 7 में। ठीक है, और 4 वाला आया है 15 में। ठीक है, जो इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, और NIC के बारे में तो आप पढ़ लेते हैं। NIC के बारे में क्या है, was established in the year 1976. NIC जो है वो 1976 में establish किया गया था with the objective to provide the technology driven solution to central and the state government. ठीक है, तो ये इनका objective है। ठीक है, चलिए next question देख लेते हैं। next question क्या है भाई, CPSO stands for, तो CPSO stands for, ये क्या stand करता है, cataloging policy and support office. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑल कॉपीराइट इन द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आर ओन्ड बाय OCLC। ठीक है, तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन की जो भी कॉपीराइट है वो सारे के सारे OCLC के पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंपास इज अ सिंप्लीफाइड रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ प्रिसिस। ठीक है, तो प्रिसिस को बेसिकली सिंपली रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम प्रिसिस के बारे में देख लेते हैं। प्रिजर्व कॉन्टैक्ट इंडेक्स सिस्टम है ये, वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश एस्टिन एंड पीटर बर्शन इन 1969, पब्लिश बाय द काउंसिल ऑफ ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। प्रिसिस इंडक्शन सिस्टम हैज ओपन एंडेड वोकैबुलरी। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। अ फ्लोट इज ऑफ, अ फ्लोट इज अ 4 bytes। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रेंज ऑफ द सेल इन रो 15 एंड कॉलम सी थ्रू एफ इज प्रेजेंटेड एज C15:F15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज आर पेट्रोल, द यूजर और क्लाइंट्स ऑफ द लाइब्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, शेल्फ लिस्ट इज टू फैसिलिटेट स्टॉक वेरिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लेजिस्लेशन इन इंडिया रिलेटिंग टू पैटर्न्स वाज द एक्ट 6 ऑफ 1856। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू कट द सिलेक्टेड कंटेंट टू द क्लिपबोर्ड, तो Ctrl+X जो होता है वो बेसिकली कट करने के लिए होता है। ठीक है, और Ctrl+V जो होता है वो पेस्ट करने के लिए होता है, Ctrl+C जो होता है वो कॉपी करने के लिए होता है, Ctrl+A जो होता है सिलेक्ट ऑल करने के लिए होता है। ठीक है, Ctrl+Z जो होता है वो अंडू करने के लिए होता है, और रीडू करने के लिए होता है Ctrl+Y। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। होल्स आर द, तो होल्स क्या है, चेक आउट बुक्स दैट आर कीप ऑन रिजर्व फॉर यूजर। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 30 क्वेश्चन करें इस क्वेश्चन पेपर के, टोटल क्वेश्चंस इसमें है 60। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेस्ट ऑफ द 30 क्वेश्चन कराऊंगी, बट आप ये मत सोचिए कि मैंने आपको सिर्फ 30 क्वेश्चंस कराए हैं या फिर मैं आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन कराऊंगी इस पूरे क्वेश्चन पेपर में। मैं आपको मोर देन 200 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ बिकॉज ऑफ जो डेप्थ इलेबोरेशन मैंने आपको इस वीडियो में अवेलेबल करवाया है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सेशन खत्म होता है यहीं पर। नेक्स्ट सेशन जल्द से जल्द आ जाएगा, ठीक है। और प्लीज इसी तरह से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे वीडियोस को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, देखिए, याद कीजिए। एक बार वीडियो देखने में याद नहीं हो पाएगी, वो भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो बार बार देखिए इसको, ठीक है। और इसी टेक केयर।